हेलो गाइस, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो। तो एक भाई ने मुझसे पूछा था कि कैसे हम सैमसंग के फ़ोन्स में फ़ोटोज़ एंड वीडियोस को हाइड करके रख सकते हैं, वैसे ही हम ऐप लॉक को कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बारे में आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो उससे पहले, अगर आपने इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आता है तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फोटोज़ एंड वीडियोस हाइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको पहला सिक्योर फोल्डर को एक्टिवेट करना है। तो वो कैसा करना है मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपको स्क्रॉल अप करना है। स्क्रॉल अप करने के बाद यहाँ पर सर्च में जाने के बाद यहाँ पर आपको सिक्योर फोल्डर अगर आप टाइप करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह आएगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है सिक्योर फोल्डर के ऊपर इस तरह। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस तरह। तो यहाँ पर मैं सिक्योर फोल्डर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर नीचे में आपको सिक्योर फोल्डर वाला ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर सिक्योर फोल्डर वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वेलकम टू सिक्योर फोल्डर, मेंटेन योर प्राइवेसी, एनहेंस योर प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद इसके बाद आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका सैमसंग का फ़ोन सिक्योर फोल्डर क्रिएट कर रहा है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर ये जो सिक्योर फोल्डर के मदद से आप का जो फ़ोटोज़ है, वीडियोस है, आप हाइड करके रख सकते हो। वैसे भी जो ऐप्स आपको लॉक करके रखना है वो भी आप लॉक करके रख सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक फीचर है सैमसंग के फ़ोन्स में। ये जो सिक्योर फोल्डर है इस प्रोटेक्टेड बाय नॉक सिक्योरिटी। जो भी फ़ोटोज़ या वीडियोस आप किसके अंदर हाइड करके रखते हो वो बहुत ही सिक्योर रहने वाला है। तो यहाँ पर इस तरह भी आ चुका है, यहाँ पर हमारा फ़ोन सिक्योर फोल्डर क्रिएट कर चुका है। तो अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें पिन, पासवर्ड, पैटर्न, इनमें से तीनों में कोई भी एक टू आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं पिन सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो पिन मैं डाल देता हूँ एक नया वाला पिन। तो मैंने एक नया पिन लगा दिया है, उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर टर्न ऑन रीसेट विद सैमसंग अकाउंट। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो विद द हेल्प ऑफ सैमसंग अकाउंट आप रिकवर भी कर सकते हो। अगर आप उसको एक्टिवेट करके रखना चाहते हो तो एक्टिवेट करके रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल कैंसिल कर देता हूँ, तो मुझे उसका ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने पिन ऑलरेडी सेट कर दिया। और यहाँ पर अगर आपको फिंगरप्रिंट से ओपन करना है आपका सिक्योर फोल्डर, तो आपको यहाँ पर इसे भी ऑन करके रखना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। यहाँ पर आपको बहुत सारा एप्लीकेशन दिख रहा होगा, कैमरा, इंटरनेट, कॉन्टैक्ट्स, गैलरी, कैलेंडर, सैमसंग नोट्स एंड माई फाइल्स। तो जो जो एप्लीकेशन आपको लॉक करके रखना है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर प्लस का साइन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको प्लस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर प्लस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑलरेडी आपके फ़ोन में जो इंस्टॉल्ड ऐप्स है वो यहाँ पर दिख रहा होगा। वो वाला इनमें से कोई भी एप्लीकेशन आप जाके सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो, यूट्यूब, यहाँ पर मैं ये दोनों एप्लीकेशन को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद ये दोनों एप्लीकेशन यहाँ पर सिक्योर फोल्डर के अंदर आ चुका है। तो अब बिना आपके परमिशन का कोई भी ये यूट्यूब स्टूडियो या यूट्यूब कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये सिक्योर फोल्डर के अंदर है। इस तरह आप जो भी एप्लीकेशन चाहते हो वो वाला एप्लीकेशन आप सिक्योर फोल्डर के अंदर रख के लॉक कर सकते हो। और यहाँ पर हम कैसे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ को हाइड करके रख सकते हैं इन सिक्योर फोल्डर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो फोटोज़ एंड वीडियोज़ आपको हाइड करने के लिए क्या करना होगा, आपको गैलरी ओपन करना है। तो मैं रिसेंट में जाता हूँ, तो ये चार फ़ोटोज़ मुझे हाइड करना है, या वीडियोज़ भी हो तो आप वीडियो भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको मूव टू सिक्योर फोल्डर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वाला जो फ़ोटोज़ है जो मैंने सिक्योर फोल्डर में भेजा हुआ है, ये यहाँ से मूव होके सिक्योर फोल्डर में चला जाएगा। एग्ज़ाम्पल जो भी फ़ोटोज़ मैंने गैलरी से सिक्योर फोल्डर पर मूव किया हुआ है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सिक्योर फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ। ओपन करते वक्त यहाँ पर मैंने पहले बार सेटअप किया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर पहले बार सेटअप करने के कारण यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैं सिक्योरिटी पिन डाल देता हूँ।
अगर आप सेकेंड बार कर रहे हो तो आप फिंगरप्रिंट की हेल्प से ओपन कर सकते होते हो। यहाँ पर पहले बार आपको ओपन कर रहे हो तो, या आप फ़ोन ऑफ करके ऑन करते हो तो यहाँ पर आपको पहला बार यहाँ पर आपको पिन डालने का ऑप्शन मिलेगा, आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपको पिन डालने के बाद ही आप इसे सिक्योर फोल्डर को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर गैलरी में ओपन करता हूँ। तो जो जो फ़ोटोज़ मैंने गैलरी से सिक्योर फोल्डर पर मूव किया हुआ है, तो यहाँ पर यहाँ का सिक्योर फोल्डर का गैलरी के ऑप्शन में आ चुका है वहाँ से मूव होके। तो यहाँ पर ये जो फ़ोटोज़ है कोई भी आपके सैमसंग फ़ोन्स में एक्सेस नहीं कर सकता विदाउट योर परमिशन। तो ये अच्छा एक फीचर है सैमसंग के फ़ोन्स में, और यहाँ पर आपको नॉक सिक्योरिटी भी मिलता है। तो यहाँ पर ये आपका फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ को बहुत ही सेफ रखने वाला है। और यहाँ पर हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी होने की वजह से अगर आपने कोई भी एक वायरस वाला एप्लीकेशन भी आपने आपका फ़ोन में इंस्टॉल किया हुआ है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपके सैमसंग के फ़ोन में वायरस इंस्टॉल हुआ है तो भी यहाँ पर वो वाला वायरस सिक्योर फोल्डर को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो नॉक सिक्योरिटी से प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पर ये बहुत ही एक सेव ऑप्शन है अगर आप रियलमी यूज़ करते हो, रेडमी यूज़ करते हो, वन प्लस यूज़ करते हो, वीवो, ओप्पो, कोई भी फ़ोन यूज़ करते हो, तो उसमें आपको इस तरह वाला प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए मुझे सैमसंग का फ़ोन इतना ज़्यादा पसंद है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।